पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की बीभत्स हत्या और रेप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है क्योंकि इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया, बल्कि जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के ऊपर आधी रात को अटैक किया गया, उनके साथ में मारपीट की गई, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, उसके बाद ये प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दें मुंबई के आजाद मैदान की। आप देखिए यहाँ पर पूरे मुंबई शहर से हजारों की संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर आए हैं और उनके हाथों में तमाम तरह के जो कटआउट है, पोस्टर्स हैं, बैनर हैं और सरकार के खिलाफ जो है ये नारेबाजी यहां पर लगातार की जा रही है। इनकी मांग है कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। हमारे साथ में इनके प्रतिनिधि भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग प्रेसिडेंट रूल की मांग कर रहे हैं, क्या राज्य सरकार ने शुरुआत से इस पूरे मामले में ढिलाई बरती थी? अब आप लोगों को जिस तरह से वहाँ घटनाएं हो रही है, आधी रात को अटैक किया जाता है, वहां पर आप लोगों को यकीन नहीं है प्रशासन पर? जी हाँ, देखिए जिस प्रकार से घटनाएं कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में अभी घट रही है, 15 अगस्त के दिन रात 12 बजे जिस प्रकार से मॉब अटैक हुआ है, उस दिन के बाद से वहाँ पे जो भी हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स है, जो भी डॉक्टर्स है, जो भी स्टूडेंट्स है, वो सेफ नहीं है। उनको वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ पे सीआरपीएफ डिप्लॉय करना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि सरकार ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2019 में यही सरकार ने रिजेक्ट किया था, वो पारित जल्द से जल्द करना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगनी है, ये केंद्र सरकार से मांगनी है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर अटैक किया गया आधी रात को, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये जानबूझकर किया गया? ये सब, ये जो कारस्थान रचा है, ये सब मुझे लगता है कि ये सब डॉक्टर से किया हुआ चीज है और ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए थी डॉक्टर के अगेंस्ट। आज उसके लिए हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया। एक तरफ डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर ही अटैक हो जाता है। एक भीड़ आती है हजारों की संख्या में और अटैक कर देती है। हाँ, ये तो सब 100% गलत बात है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो हम लोग डिमांड करेंगे कि प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई होने चाहिए कोलकाता में और हमारा सीपीए एक्ट अलग होना चाहिए। बिल्कुल, प्रेसिडेंशियल रूल की मांग की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए तमाम रेसिडेंट डॉक्टर हैं, तमाम लड़कियां हैं और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है, ये क्या कहना चाहती हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर सबसे पहले वो दिखाते हैं, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, इस तरह का बैनर, इस तरह का कटआउट तमाम डॉक्टर्स लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से एक तो पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद डॉक्टर पर अटैक कर दिया जाता है, उस प्रोटेस्ट को खत्म करने की साजिश रची जाती है? दिस वाज अ कंप्लीट इनजस्टिस। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई महिला अपने वर्क स्पेस में स्पेस फील नहीं करती है तो दिस इज अ शेम फॉर द होल कंट्री। होल कंट्री शुड कम अगेन टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दिस, शुड सपोर्ट अस एज डॉक्टर्स। वी फीमेल डॉक्टर्स, वी वर्क फॉर 36 आवर्स, वी हैव 36 आवर्स शिफ्ट। वो लड़की भी अपनी 36 आवर ड्यूटी करके थोड़े घंटे सोने गई हुई थी, वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगले दिन उसकी डेड बॉडी उसके पेरेंट्स के हाथ में इस तरह से पहुंचाई जाए। लेकिन एक तरफ उस हत्याकांड को लेकर, बलात्कार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है, उसी बीच में डॉक्टरों पर भी अटैक कर दिया जाता है, इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की जाती है, क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट शुरुआत से उसके ऊपर आरोप लगा, इसके पीछे जो भी हो, लेकिन हमारी बस इतनी ही मांग है कि हमें फुल प्रोटेक्शन मिला जाए। नो सेफ्टी नो ड्यूटी, वी जस्ट नीड आर सेफ एंड सेफ प्लेस इन आर वर्क प्लेस। वर्क प्लेस इज आर होम, वी सर्व दिस नेशन, वी आर द सर्वर्स, वी नीड सेफ्टी नॉट ड्यूटी। बिल्कुल, देखिए ये वो रेसिडेंट डॉक्टर हैं जो ये कह रही हैं कि जहां पर वो काम करती है अगर वहां पर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे उनकी सुरक्षा कैसे होगी। यहां पर कुछ और भी डॉक्टर्स, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि अभी जो जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, जो स्टेट में ये इंसिडेंट हुआ है, वहां की खुद मुख्यमंत्री साहिबा एक महिला है, वहां पे ऐसी चीज कैसे हो सकती है? दूसरी बात, वहां पे 11 एमपीज जो है वो महिला अधिकारी है, महिला एमपीज है, उसमें से दो महिला जो एमपीज है वो खुद डॉक्टर है, एक महिला एमपी जो है उसमें की वो खुद आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की एल्युमनाई है, वहां पे ये चीज दब कैसे सकती है? वो उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे है? तीसरी बात मेरा ये कहना है कि कोई अधिकारी के साथ ये सब कभी कुछ मारापीटी जैसा हादसा होता है तो उनके लिए सख्त कानून है। फिर डॉक्टर जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है
तब उनके लिए जब हम मांग कर रहे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, तो क्या दिक्कत आ रही है? जो दिन रात जिनके लिए हम लोग काम करते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे क्यों ऐसे लागू नियम नहीं हो पा रहे हमारे इतने प्रयासों के बावजूद? तो हमारी ये मांग है कि एक स्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हो जिसमें हमारे लिए सुरक्षा हो, हम सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है और यहाँ पर आप देखिए वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको तमाम जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं वो नजर आएंगे और इस कड़ी धूप में ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान की ये तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं उनके अंदर किस तरह का गुस्सा है। लगातार ये विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ में कुछ और महिला डॉक्टर भी, उनसे बात करेंगे। किस तरह का गुस्सा है आप लोगों के अंदर, क्या डिमांड है? हमको चाहिए कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू हो और प्रेसिडेंट रूल आए वेस्ट बंगाल पे और उसके ऊपर जस्टिस मिले। 9 को हुआ था ये इंसिडेंस, उसके बाद एक ही जो आरोपी था वो पकड़ा गया है, अभी तक और आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो वी वांट द इम्प्लीमेंटेशन टू बी अर्ली एंड जस्टिस टू बी वेरी अर्ली। यहाँ पर आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। इन्वेस्टिगेशन जो कवर अप हुआ है उसमें वी नीड आंसर्स, वी नीड क्लैरिटी, वी नीड ट्रांसपेरेंसी और वो प्रेसिडेंट रूल के बिना नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन को लेकर यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि शुरुआती समय में जिस तरह से इस पूरे मामले में नेग्लिजेंस की बात कही जा रही है कि जब ये पूरा मामला सामने आया और उस दौरान में कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से जांच आगे बढ़ाई उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय, और उसी बात को लेकर जो है हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, उसके बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन जो क्राइम ऑफ सीन था, क्राइम ऑफ स्पॉट था, उसको जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। उसके बाद भी बंगाल सरकार जो है नीचे जागी नहीं और प्रोटेस्टर पर अटैक किया गया, जिसके बाद से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर आजाद मैदान में इकट्ठा हुए। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा देते हैं मुंबई के आजाद मैदान की। आप देखिए हजारों की संख्या में तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर आजाद मैदान में कड़ी धूप में इकट्ठे हैं और यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं इस बात की गवाही दे रही है कि आखिर डॉक्टरों के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा है। और क्योंकि एक तरफ घटना होती है, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हादसा होता है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है, उसका बलात्कार किया जाता है, और उसके बाद में जब प्रदर्शनकारी डॉक्टर जो थे वो रात को प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर भी अटैक किया जाता है, उस प्रोटेस्ट को खत्म करने की साजिश रची जाती है, और इसी वजह से पूरे देश में इस तरह का एक गुस्सा जो है नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सुभाषिस दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।